हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले देखिए एक आईटी की कंपनी आपने थंबनेल में देखी लिया वैसे भी आईटी की कंपनी जो कि अभी यूएस में लिस्ट हुई वो इंडियन कंपनी है और उसने फाइव हंड्रेड पीपल को अब मतलब 500 उसके जो employees थे उसे एक एक दिन दिन के के अंदर 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 करोड़पति बना दिया okay, एक दिन के अंदर तो नहीं कहेंगे उसके, तो उसके पीछे सालों की मेहनत होती है ओके okay, तो वही सब होती है सारी बातें से रिलेटेड बातें करेंगे कि कैसे करोड़पति बना दिया कैसे छह लाख रुपए को आई थिंक टू प्लस करोड़ रुपीज में यहाँ पर चेंज कर दिया तो क्या ऐसी कंपनी इंडिया में मौजूद है जो इस तरीके से आपको मल्टी वैगर रिटर्न दे तक सकती है तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे बिफोर द वीडियो में आगे बड़े रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल इन्वेस्ट फोर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दूसरी वीडियोज को लाइक करिए जाइए देखिए और कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ पर कमेंट करिए बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करनी है और एक और बात यहाँ पर देखिए राइट इशू आया हुआ है यहाँ पर काफी लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि एक वीडियो आ जाएगा ओके कल की डेट में एक वीडियो डालूंगा तो बताऊंगा कि कैसे आप केवल अपने डीमेट अकाउंट से भी जैसे आईपीओ आप अप्लाई करते हैं उससे राइट इशू भी अप्लाई कर सकते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर हम कल बात करेंगे कोई इशू नहीं है और आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और जानते हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड तो सबसे पहले न्यूज यहाँ पर देखिए एक कंपनी है फ्रेश वर्क ये बैंगलोर बीस कंपनी है ओके इसने यहाँ पर अपना वेनेसडे को यहाँ पर मार्केट में लिस्ट हुई हुई दिखाई दी थी पे। तो जैसे ही लिस्ट हुई ओके ओके लिस्ट होती इस कंपनी ने अपने 500 500 को okay, जो इनके 500 थे और, और दे आर लेस देन आ, बात करें 30 इयर्स तो यहाँ पर 30 से भी 75 परसेंट अगर बात करें तीस साल के आसपास थे उससे कम थे और वो सारे के सारे करोड़पति बन गए कैसे बन गए उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैलिफोर्नियां फाउंडेड इन

मैं आपको बता देता हूँ मैंने पढ़ा है पूरा का पूरा यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं दे रखा तो यहाँ पर फाइव हंड्रेड जो इंडियन एम्प्लॉइज है ओके okay, जो इसमें ऑलरेडी काम कर रहे थे उस न, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज के पास इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर थे और जैसे ही ये यह यहाँ पर का वेनिस्डे को लिस्ट होती हुई दिखाई दी है और सारे के तो यहाँ पर ये यह कंपनी का शेयर भागता हुआ भी दिखाई दिया और इस कंपनी की वैल्यू भी बढ़ती हुई दिखाई दी और अगर हम बात करें ये कंपनी ने अपने 500 हंड्रेड एम्प्लॉयज को और उनमें से भी 75 परसेंट इसका 75 परसेंट जो एम्प्लॉइज थे वो थर्टी की कम की एज के थे और सारे के सारे यहाँ पर करोड़पति बनते हुए दिखाई दिए मतलब दो न, न, नौ साल पहले अगर हम बात करें तो साल पहले मतलब दो में दो में किसी ने भी इस कंपनी मतलब इसके एम्प्लॉय के ने जिसने भी लाख लाख रुपए, रुपए पर इन्वेस्ट कर रहे थे इस होते हुए दिखाई दिए मतलब वो करोड़ बने और ए, एक आध करोड़ मालिक भी नहीं अच्छे खासे करोड़ के यहाँ पर मालिक बनते हुए दिखाई तो मतलब क्या है देखिए बने तो एक दिन में तो बात करें तो एक लंबी जर्नी थी नौ साल की नौ साल मतलब यहाँ पर आप कर आप एक अच्छे खासे शेयर में यहाँ पर पैसा लगाते हुए दिखाई देते हैं तो यहाँ पर पैसा आपका बनता हुआ दिखाई देता है और अच्छे खासे पैसे बनते हैं तो ऐसी क्या आईटी कंपनी है जो यहाँ पर आपको इस तरीके के गेन दे सकती है इस तरीके से आपके पैसों को बल्टी बैगर कर सकती है इस तरीके से आपको आपके अगर एक लाख रुपए या छह लाख रुपए जैसे भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसको करोड़पति बना सकती है तो मैं एक मेरे माइंड में एक कंपनी यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है कि वो कंपनी आपको यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर गेन दे के दिखा सकती है आने वाले पाँच अगर आप 10 साल से इस कंपनी को रखते हैं तो एटलीस्ट वो आपको करोड़पति तो बना सकती है अकॉर्डिंग टू मी स्मॉल कैप कंपनी थी अभी लास्ट ईयर यहाँ पर लिस्ट होती हुई दिखाई दी और यहाँ पर हमारा पैसा यहाँ पर तीन गुना यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया था यहाँ पर तीन सौ रुपये शेयर बताया था पंद्रह सौ रुपए के आसपास और एक अच्छे खासे लेवल पर यह शेयर चल रहा है और यहाँ पर काफी बार वीडियो बना बना के आपको यहाँ पर बताया गया था तो कौन सा शेयर है उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं उस कंपनी का नाम हैप्पीएस्ट माइंड हैप्पीएस्ट माइंड ओनली और सोल कंपनी कह सकते हो कि ऐसी कंपनी मुझे नजर आती है least, कि अगर आप इसमें एस आई पी मोड पे थोड़ा 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 पैसा इनफ्लो करते रहेंगे इस पर्टिकुलर कंपनी में और आप एक डेढ़ लाख रुपए दो लाख रुपए धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहेंगे इन्फ्यूज करते रहेंगे तो आई आई बिलीव दैट की ये शेयर यहाँ पर Uh, अच्छा खासा आपको करोड़पति तक बना सकता है आने वाले पांच से दस साल के अंदर अंदर तो यू हैव टू बी पेशेंस यू हैव टू इनफ्लो मनी यू हैव टू स्टॉक्स यू हैव टू बाई स्टॉक्स ऑन एस आई पी मोड इस तरीके से आप अगर आप करेंगे तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा क्यों यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इनका मैनेजमेंट देखिए मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन रोल प्ले करता है तो मैनेजमेंट की बात करें इनके मैनेजमेंट है अशोक सूता जी जो कि यहाँ पर विप्रो में ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं एज वेल एज माइंड माइंड ट्री जो यहाँ पर शेयर किस

कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है अशोक ही रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती है पर पैसा, सारा मार्केट से यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है मोर देन नाइन्टी परसेंट नाइन परसेंट तो मैंने आपको कमी बता दिया तो ये जो ये काम है यहाँ पर अगर बात करें कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है फ्यूचर में यहाँ पर देखिए यूएस सेवेंटी एट परसेंट इंडिया से ट्वेल्व यूरोप सेवन रोज से, से आ, 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 बात करें थ्री परसेंट यहाँ पर आ, आप ऐसा आता हुआ दिखाई देता है ये ट्वेल्व ये ट्वेंटी की बात है आ, बात करें यहाँ पर इस कंपनी की ये कंपनी काफी बेहतरीन कंपनी नजर आती है नो डाउट यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे सारा यहाँ आपको दिखाई देगा किस तरीके से ये कंपनी डिजिटल वर्ल्ड में काम करती हुई दिखाई देती है किस किस चीज में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आपको अच्छा खासा पैसा फ्यूचर में बना के देगी और ऑलरेडी इसने पैसा बना के दिया है मार्केट कैप देखिए स्मॉल कैप कंपनी थी कब ये नौ करोड़ की कंपनी थी आज ये इक्कीस करोड़ की यहाँ पर मिड कैप कंपनी है पी रेशो की वन करोड़ का यहाँ पर पी है आर ओ सी थर्टी फोर

यहाँ पर हाइएस्ट लेवल से नेट प्रॉफिट की बात करें अठारह करोड़ का प्रॉफिट छत्तीस में दुगना होता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ ही क्वार्टर में आ, बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस पे तो पांच सौ पर पिछले बारह महीने की सेल्स है और नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर चौदह करोड़ का प्रॉफिट ओके यहाँ पर बहत्तर हुआ बहत्तर से फिर एक हुआ जो की यहाँ पर इनकी ग्रोथ को बताता हुआ दिखाई दे रहा है रिजर्व देखिए जो घाटे में थे यहाँ पर पांच करोड़ के रिजर्व बॉर यहाँ पर थोड़ी सड़ती हुई नजर आई है बट बोरे यहाँ पर कोई परेशान वाली बात नहीं है वन नाइन्टी थ्री वर्किंग प्रोग्रेस में कोई पैसा इन्वेस्टमेंट थ्री नाइन्टी वन करोड़ का कैश की बात करें एक सौ पैंतालीस करोड़ का कैश और जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है आरो सी आरोपी फाइव परसेंट का बेहतरीन आरो सी है प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करें फिफ्टी थ्री पॉइंट टू फाइव एज इट इज बनी हुई है एफ आई एस की बात करें एफ आई एस का की बात करें डीआईए ने थोड़ी हिस्सेदारी कम करी है और यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ी है पब्लिक के पास थर्टी थ्री परसेंट की हिस्सेदारी है बट उसमें से भी अगर हम देखें तो यहाँ पर टू पॉइंट जीरो फोर परसेंट की हिस्सेदारी एक नजर आती है तो यहाँ पर लगभग थर्टी वन परसेंट के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ही आ गया है तो थोड़ी बहुत हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती

Uh, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ये यह यहाँ पर से निकलती हुई दिखाई देगी एफ एल इंडिया जैसे यहाँ पर स्टेज थ्री में आ गई है ये भी थ्री में आती हुई दिखाई देगी और धीरे धीरे ये शेयर इस तरीके से भागता हुआ दिखाई देगा और इसे ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है इसमें आते हुए अगर हम यहाँ पर बात करें हैप्पीएस्ट माइंड की तो यहाँ पर हम इस शेयर का चार्ट पैटर्न निकालते हैं और चार्ट पैटर्न निकालने के बाद आपको मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा सा जब मार्केट में आया था उसके बाद थोड़े से टाइम के लिए कंसोलिडेट हुआ कंसोलिडेशन होने पर यहाँ पर आपको वीडियो बना के दी गई थी और जैसे ही यहाँ पर ये शेयर फिर भागता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ पर पोल फ्लैग पोल फ्लैग पोल फ्लैग ये इस पैटर्न में यहाँ पर यह चलता हुआ दिखाई दिया और अभी भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक पोल और फ्लैग और यहाँ पर अगर बात करें सबसे बेहतरीन

अभी तक जब से ये भागना शुरू किया फैप से लेके अभी तक ऐसा कोई टाइम नहीं रहा है अभी रिजल्ट आने वाले धीरे धीरे जब रिजल्ट आएंगे रिजल्ट का टाइम आने वाला होगा ये शेयर दोबारा भागते हुआ दिखाई देगा पहला टारगेट फिफ्टीन सेवन का है इसके अलावा मार्केट में बड़े बड़े दिग्गज एनालिस्ट अगर हम बात करें तो वो लोग भी यहाँ पर इसका टारगेट नाइनटीन हंड्रेड तक

रहूंगा और एक एवरेज प्राइस करके धीरे 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 इसको क्वांटिटी बढ़ानी है और ये शेयर आगे चल के बहुत बेहतरीन रिटर्न देता हुआ नजर आएगा तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिए वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए दूसरी वीडियोस को जाके देखिए कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करिए आपकी क्वेरीज का जवाब देने की कोशिश करूंगा सो थैंक यू सो मच फॉर प्लस